अगर आप ढूंढ रही हैं कि कैसे आप अपने यूट्रस को हेल्दी रख सकती हैं, तो मैं आज आपके साथ 3 योगा आसन शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले आसन से, जिसका नाम है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, यानी कि पाद हस्त आसन। इस आसन के लिए आपको अपने मैट पर साइडवेज खड़े होना है, अपने दोनों पैरों को जोड़ के रखें, अदरवाइज कंफर्टेबल गैप कर लें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए इनहेल कीजिए, अपनी बैक स्ट्रेट कीजिए, अपनी बेली को अंदर कीजिए, स्क्वीज इन कीजिए, इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को पैरों तक लेके आएं। स्टे इन दिस पोज फॉर फ्यू सेकंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax। इस आसन में मिनिमम आपको 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और अपनी प्रैक्टिस और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन काउंट को बढ़ाना है और मिनिमम आपको इस आसन को 5 से 10 बार रिपीट करना है। अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा आसन। दूसरे आसन के लिए आपको अपने मैट पर बैठना है और दूसरे आसन का नाम है सीटेड फॉरवर्ड बेंड, यानी कि पश्चिमोत्तान आसन। इस आसन में आप इस पोजीशन में बैठिए अपने मैट पर, कंफर्टेबल हो जाएं। लिफ्ट अप योर आर्म्स अप, स्ट्रेट योर बैक, स्ट्रेट योर स्पाइन, स्क्वीज इन योर बेली। इनहेल करते हुए सीधा करें अपनी बैक को और एक्सहेल करते हुए जितना आप अपने हाथों को अपने पैरों तक लेके जा सकते हैं लेके जाएं। अपनी चेस्ट, अपने चिन को टच कीजिए, होल्ड कीजिए इस पोज में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and come back and relax। अगर आप बिगनर हैं और इनिशियली आपके नीज थोड़े बेंड हो रहे हैं, कोई बात नहीं, विद प्रैक्टिस एंड विद टाइम आपकी नीज भी स्ट्रेट हो जाएंगी। आपके हाथ जितना आपके पैरों तक जा सकते हैं उतना ही लेके जाएं, अपनी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें इंप्रूव होती हैं विद टाइम एंड विद प्रैक्टिस। इस आसन में भी आपको मिनिमम 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और टाइम और प्रैक्टिस के साथ आप इसकी रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं और इसका टाइम भी बढ़ा सकते हैं। यहीं से हम करेंगे अपना आखिरी आसन, जिसका नाम है बटरफ्लाई पोज, तितली पोज। ये आसन फीमेल्स के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। इस आसन के लिए आपको अपने मैट पर इस तरह बैठना है, दोनों पैरों को मिलाएं और अपने पेल्विक एरिया के क्लोज लेकर आएं। इंटरलॉक करते हुए हाथों को इस तरह पैरों के आगे रखें और कोशिश करें कि आपकी जो नीज़ हैं वो आपके मैट को टच करें। इनिशियली अगर नहीं होती हैं कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ ये होने लगेंगी। इस आसन के बहुत से फ़ायदे हैं। ये आपके पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के पेन में भी बहुत हेल्पफुल है और आपको अगर इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत है तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। ये आसन आप मिनिमम 1 मिनट के लिए करिए और अपनी प्रैक्टिस और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस टाइम को बढ़ा दें। अब मैं आपको बताती हूँ इन तीनों आसनों के फ़ायदे। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये आपके ओवेरियन मसल्स में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच देगा। दूसरा बेनिफिट कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल पेन होता है, कई फीमेल्स को इस पेन की शिकायत रहती है, इवन आफ्टर वेडिंग ऑल्सो वो इस प्रॉब्लम में इतना सफ़र करती हैं कि उन्हें हीटिंग पैड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप एक्सरसाइज करके भी इस पेन को ख़त्म कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो पेल्विक एरिया है वो स्ट्रॉन्ग होगा और आपके जो पेल्विक एरिया में एक स्टिफनेस है वो भी ओपन होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो हर फीमेल के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। मित्रजनों, जन कल्याण हेतु हो रहे पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।